हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रिसेंट यहाँ पर ड्राइंग पैड है और रिसेंटली मैंने अमेजोन से एक ड्राइंग पैड बाय किया। ये मैंने तो आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा, मैंने यूज़ किया इसलिए मैंने अब आपको मैं रिव्यू बताऊंगा इसका, और आप देखेंगे कैसे इसमें हुआ यूज़ और कैसा रिजल्ट आया। सबसे पहले आप जानते हैं कि अमेजोन पर काफ़ी ज़्यादा शीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज के ड्राइंग पैड्स हैं। आप नहीं पता होता बिगनर्स को कि कौन सा बाय करें, कौन सा नहीं, कौन सा पेपर अच्छा है, कौन सा नहीं, तो और इसलिए मैंने काफ़ी डाली और भी वीडियोज़ ड्राइंग पैड की वीडियोज़ डाली हैं, वो और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो स्केच पैड दिखा रहा हूँ वो है स्केच पैड, मैंने एक बाई किया रिसेंटली, आई थिंक 380-370 के करीब होगा। तो ये डेरवेंट का है, डेरवेंट के काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग पैड्स हैं और काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ भी करते हैं, जिनके अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। तो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये डेरवेंट का स्केचिंग पेपर है और आप देख सकते हैं www.pencil.co.uk का लिखा है इन्होंने साइट, बट मैंने अमेजोन से बाई किया है। डेवेंट के अमेजोन पे आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ये वाला भी आपको मिलेगा, ये उसके काफ़ी ज़्यादा है, बट मैंने ये वाला बाई किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिफेंट बने हुए हैं इन पे, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फिर से वही डेवेंट का स्केचिंग पेपर। यहाँ देख सकते हैं आप A4 साइज है और 30 शीट्स हैं टोटल, और आप यहाँ पर उन्होंने नीचे उसकी वो भी लिखी हुई है कितने इंच है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो 165 GSM है ये। 165 अच्छा होता है, 120-140 से ऊपर जितने भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, ठीक होते। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एसिड फ्री लिखा हुआ है, सिंपल सा ड्राइंग पैड है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है और ये बैक बिल्कुल क्लीन है, इस पर पीछे MRP और वो सब लिखा हुआ है, ओरिजिन क्या, ओरिजिन कंट्री का आप मैं बता दूँ चाइना लिखा है, और MRP ने 499 लिखी है, बट आई थिंक 400 तक अमेजोन पे है ये। तो अब देखिए चाइना का है ये, अब यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, और ये स्पाइनल वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके दूसरे भी आते हैं सिंपल बिना स्पाइनल के। यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं शीट काफ़ी वाइट शीट है और अच्छी शीट है, बिल्कुल क्लीन शीट है, काफ़ी ज़्यादा शीट हैं, 30 शीट्स हैं टोटल, और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी है। 165 GSM है तो थोड़ा मेरे को थिन लगी, बट काफ़ी ठीक है, अच्छी है ड्राइंग स्केचिंग के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइनल वाला और इसके निशान है, तो आप यहाँ से उतार भी सकते हैं, कोई लाइन नहीं है अलग से यहाँ पर हटाने के लिए आप देखें, बट जब आप करेंगे तो स्केच थोड़ा नीचे से करेंगे ताकि वो चीज़ आपकी ये जो पेपर है ये दिखे नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा स्केच पैड है और अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, और इसके कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्केच पैड हैं। मैंने ये वाला बाय किया क्योंकि मुझे थोड़ा देखना था कैसा, क्योंकि इस पर लिखा था कि इस पर रिफ्लेक्टिंग लाइट शीट है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग लाइट शीट है, इसलिए मैंने ये बाय किया वीडियो में अच्छी दिखे। तो मैंने इसको यूज़ किया और अब मैं आपको जो मैंने पेपर स्केच इसके इस पर ड्रॉ किए वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो ये स्केच आप देखें, ये स्केच है जो मैंने इस पे ड्रॉ किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से शेडिंग हुई है, स्मूथ शेडिंग, मेरे को शेडिंग करते वक्त काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी इजीली इस पे ब्लेंड हो रहा था, काफ़ी इजीली इस पे हो रहा है। मैंने मेकअप ब्रश का यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए, बट काफ़ी इजीली आप देखें नोज़ काफ़ी अच्छी बनी है यहाँ पर, स्किन काफ़ी अच्छे से हुई है और आईज़ भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हुई। और जब मैंने हेयर ड्रॉ किया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जब मैं हेयर ड्रॉ कर रहा था तो क्या हुआ कि जो पेंसिल्स थी उन पर होने, जैसे मैं जब हेयर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करता हूँ फिर डार्क का करता हूँ। मैंने लाइट पेंसिल का यूज़ किया और ब्लेंडिंग की, बट जब डार्क पेंसिल का इस पर यूज़ करने की बारी है तो वो डार्क पेंसिल उस पर वर्क ही नहीं कर रही थी, आई ही नहीं रही थी। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि स्केच पेपर में प्रॉब्लम है कि पेंसिल्स में, पेंसिल भी क्योंकि मैंने नई जो बाई की थी वो की, उसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है, तो उसका फिर मैंने चेक किया। तो अब जब मैंने ड्रॉ किया तो मैंने फिर ड्रॉ करना ही था क्योंकि फेस ड्रॉ कर चुका था सब कुछ, फेस अच्छा ड्रॉ हुआ था, तो हेयर भी मैंने कोशिश की कि बिल्कुल अच्छे से अच्छा ड्रॉ करो, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ किया तो काफ़ी अच्छा ड्रॉ हुआ और अच्छे से बना। अब यहाँ मैं एक और स्केच का दिखाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, ये स्केच आप देखें, रिसेंटली मैंने इसकी वीडियो डाली है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आप जब ये चैनल ये स्केच आप देखें, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग, हेयर की आप डिटेलिंग देखें, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग थी, और आप देखें कि मैं खुद अभी एक बिगनर ही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि जब मैंने जब कोशिश की बनाना शुरू किया था तो मैं ऐसा नहीं बनाता था, मैं काफ़ी लो लेवल से शुरू किया, मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है। तो अब मैं अपने खुद से ही बनाता हूँ, खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ खुद ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा मेरी कोशिश है रियलिस्टिक बनाऊँ, जैसी फोटो है वैसे। मैं चाहता तो इसको सिंपल डार्क हेयर कर देता तो वो भी अच्छा लगता, बट मैं बिल्कुल रियलिस्टिक चाहता, इसलिए मैंने आप देखें कहीं पर वाइट हेयर है, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, अच्छा दिखता बट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा मेरे को हुआ नहीं है। कभी ना कभी तो मैं इम्प्रूव करूँगा टाइम के प्रैक्टिस के साथ, और हर बार कोशिश करता हूँ ऐसी टफ फोटोज ही मैं लूँ। तो आप शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बनी है, फेस शेडिंग आप
पिछले में भी अच्छी थी और इसमें भी अच्छी हुई है। हेयर आप देखें, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने पिछले स्केच में मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने लाइट से कर दिया और उसके बाद जब डार्क करने लगा तो उस पर वो नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार मैंने पेंसिल चेंज की, मैंने वो कंपनी की पेंसिल यूज़ नहीं की जो मैंने पिछले में की थी, तो इस बार मैंने फेवर कैसल की यूज़ की है इसमें। तो फेवर कैसल पेंसिल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। आप देखें ये पोर्शन जो है काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हुआ है और इस पर वाइट हाईलाइटर भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया। आप ये पोर्शन देखें, जो ये पोर्शन है ये थोड़ा ब्लर पोर्शन था, तो आप देखें कितने अच्छे से अलग से दिख रहा है ये ब्लर पोर्शन। और यहाँ पर आप ये पोर्शन देखिए जो हेयर का कितना अच्छा अच्छे से ड्रॉ हुआ, लाइट डार्क काफ़ी शेड्स हैं इसमें, 3-4 शेड्स मैंने ड्रॉ की और काफ़ी अच्छे से बनी है और शेड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से स्केच ड्रॉ आउटलाइन काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हुई, पेंसिल्स काफ़ी लाइनें अच्छे से ड्रॉ हो रही है आउटलाइन के लिए और स्केचिंग भी अच्छे से हुई है। मैं और भी आगे इस पर बनाऊंगा, अगली वीडियोज़ भी मैं इसी पर बनाऊंगा काफ़ी। अब मैंने शीट 30 शीट्स हैं और 30 स्केच मैं इस पर बनाऊंगा ज़रूर, प्रैक्टिस वर्क नहीं करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं तो कोई भी, आप कोई भी शीट ले सकते हैं जो सबसे सस्ती आपको मेरे सिंपल कॉपी पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं काफ़ी अच्छी शीट है और अच्छे, बट इसमें मुझे एक लगा कि थोड़ी पतली काफ़ी है, 165 GSM इन्होंने लिखा है बट मुझे लग नहीं रहा क्योंकि 165 GSM की मेरे पास और भी शीट्स हैं कंपनी की थी वो, बट अब मैं अभी नहीं है, वो मैं ख़त्म हो चुकी है, बट वो अलग थी, वो थोड़ी ज़्यादा मोटी थी। और अब 165 GSM इतनी पतली, ये पतली है बट 200 जब लेंगे वो काफ़ी मोटी होती है और मुझे लगता है 165 ये इतनी पतली होनी चाहिए, बट अगर ये 165 लिखी है तो होगी, बट 165 थोड़ी पतली है, थोड़ी थिन है। आप इसी कंपनी का डेवन का ही कोई और स्केच पैड भी ले सकते हैं जिसमें थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो, 1 GSM ज़्यादा हो तो वो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये स्केच पैड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हुआ है और आपको इजीली अमेजोन से मिल जाएगा। और आप अच्छे अच्छे स्केच करना चाहते हो ड्रॉ तो आप ये बाय कर सकते हो और अच्छी इस ड्राइंग पैड है, इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने एक सिंपल रिव्यू देना था कि कैसा है, अगर आपको खरीदना है तो आप ये खरीदें कि नहीं। तो अच्छा है, पेपर बिल्कुल वाइट है, क्लीन पेपर है, ब्लेंडिंग अच्छे से होती है, शेडिंग अच्छे से हो रही है, हाईलाइटर अच्छे से हो रहे हैं, स्केच अच्छे से बने और 30 शीट्स आपको मिल रही है 400 में, अच्छी अच्छा बजट में है और अच्छे से मिल जाएगा 380 में। और GSM भी 165 अच्छा है और एसिड फ्री है और अच्छा ड्राइंग पैड है और काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे और पेंसिल्स भी फेवर कैसे इस पर काफ़ी अच्छे से वर्क की। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं, मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छा और मैंने लिया और मैं यूज़ भी करूँगा, पिछले दोनों वीडियो मैंने इसी में ड्रॉ किया और आगे भी मैं ज़रूर करूँगा। तो अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, अमेजोन पर आपको इजिली मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।